वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर संपन्न होता है। देखिए, यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट द मीजोफिल्स सेल्स इन द लीव्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यूजली द क्लोरोप्लास्ट अलाइंस themselves along the walls of the mesophyll cells such that they get the optimum quantity of the incident light. When do you think the chloroplast will be aligned with their flat surfaces parallel to the walls? When would they be perpendicular to the incident light? तो जैसा कि पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि क्या है कि पत्तियों में मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है जिससे वे इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सकें, यानी कि अधिक से अधिक प्रकाश उनको मिल सके। तो कि आपके विचार से जो क्लोरोप्लास्ट हैं कब तक सपाट पटल भित्ति के समांतर पंक्तिबद्ध होते हैं, वे आपतित सूर्य के प्रकाश से कब लंबित होते हैं? ठीक है, तो यू हैव स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना द स्ट्रोमा लैमली एंड द फ्लूड स्ट्रोमा। देयर इज ए क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। तो आपने अध्याय 8 में लेसन 8 में पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना स्ट्रोमा लैमली और स्ट्रोमा तरल होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करती है और ATP एवं NADPH का संश्लेषण होता है। इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द प्लांट लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर विच इन टर्न फॉर्म्स स्टार्च। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइविंग आर कॉल्ड लाइट रिएक्शंस एंड लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइविंग बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन ATP एंड NADPH। हैंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड बाई कन्वेंसन एज डार्क रिएक्शन। हाउ एवर दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रूड टू मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। तो क्या है कि अब हमने पता कर लिया कि ATP और NADPH संश्लेषित होते हैं। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा का संश्लेषण करता है, ठीक है, और जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। तब क्या है कि पहली वाली प्रतिक्रिया को प्रकाशक क्रिया कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित होती है, और दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाशक क्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है, उनके प्रोडक्ट पर, जैसे कि जो प्रोडक्ट हैं ATP और NADPH, जो कि सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होती है, इसीलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसके विषय का विस्तृत अध्ययन बाद में इसी चैप्टर में हम करेंगे। तो इस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना आप देख पा रहे होंगे। तो ये इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट, देखिए ग्रेना है यहाँ पे, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, इधर इनर मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा लैमली है, स्ट्रोमा है, राइबोसोम भी हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी हैं इसमें,
और ये लिपिड ड्रॉपलेट्स भी हैं। तो ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ ए सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।